राजपुर नगर की कुशवाहा समाज धर्मशाला में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजपुर और जिला कांग्रेस कमेटी बड़वानी द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राजपुर विधायक बाला बच्चन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त महासचिव ग्यारसीलाल रावत, संयुक्त सचिव अजय ठक्कर, गिरीश जायसवाल, प्रकाश खेड़कर, कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी रहे पोरलाल खरते और पूरे बड़वानी जिले के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। साथ ही धनगर समाज के प्रदेश अध्यक्ष भीलूराम धनगर को सभी ने समाज के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। वही विधायक बाला बच्चन ने ठीकरी के युवा नेता हेमेंद्र पटेल, अप्पू भाई राजपुर के आसिफ शेख को विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया। सभी ने एक दूसरे को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नानेश चौधरी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सचिन जोशी, जिला कांग्रेस कमेटी के मनोज मित्तल, मुकेश गोयल राजपुर मंडलम अध्यक्ष राजेंद्र इंगले सेंधवा, ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र गाड़वे, सलीम खत्री, ठीकरी नगर परिषद उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान, युवा नेता हेमेंद्र पटेल, प्रहलाद सिंह चौहान, पार्षद प्रतिनिधि सदर शाहिद खान और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। आप तक न्यूज चैनल के लिए राजपुर से मोहम्मद यूसुफ खान की खास रिपोर्ट। आज राजपुर विधानसभा के राजपुर ब्लॉक में दिवाली मिलन समारोह रखा है, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारी भी है, जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल है नानेश भाई, और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष सचिन जोशी जी और मंडलम राजपुर वालों ने स्वागत रखा है। इसमें राजपुर विधानसभा के मंडलम सेक्टर के पदाधिकारी हैं, बड़वानी जिले के अपने कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नानेश भाई हैं, हमारे जो महासचिव जो बने ग्यारसीलाल जी रावत जी जो हैं महासचिव बने एमपीसीसी के, वो भी है, आदरणीय पोरलाल खरते जी लोकसभा के उम्मीदवार थे वो भी हैं, हेमराज भाई और सभी। आज का कार्यक्रम रखने के पीछे एक तो दिवाली मिलन समारोह भी है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के परिवार का दिवाली मिलन समारोह के नाते सबसे मिलना जुलना हो जाए। दूसरी बात, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अप्रूवल पे जो हमारे चार चार हमारे जिले के पदाधिकारी दिए हैं, एक मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव बनाए पूर्व विधायक आदरणीय ग्यारसीलाल रावत जी को, उसके बाद संयुक्त सचिव तीन बनाए हैं गिरीश जायसवाल जी को, अजय ठक्कर जी को, प्रकाश खेड़कर जी को, उनका स्वागत भी था। और एक भीलू भाई धनगर जो राजपुर के पास एक सनगांव गांव है, वहाँ के धनगर समाज के है, पांच जिले के धनगर समाज के लोगों ने उनको धनगर समाज का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उनका भी स्वागत था। इस कारण से दिवाली मिलन समारोह के नाते इन सब पदाधिकारियों का भी सम्मान रखा गया था, इस कारण से समारोह रखा गया है। हम सब की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी बधाई भी, जीतू भाई को जो प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद, कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी को धन्यवाद, आदरणीय अनु भाई कांतिलाल भूरिया जी को धन्यवाद, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को भी धन्यवाद, और हमारे नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामना भी, और सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के मतदाता कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को दिवाली की बधाई और शुभकामना भी। इस कारण से कार्यक्रम रखा था और उनके सम्मान में सब भोज भी रखा है, जो भी शुरू हो जा चुका है। ये कार्यक्रम था आज का।